हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरत 365.com पे। पिछली बार मैंने एक पावर बैंक का वीडियो अपलोड किया था, वो आपने देखा होगा। उससे अपडेट वर्जन ये नया वाला पावर बैंक, ये वाईफाई के साथ आप कनेक्ट करके दूसरा बंदा कहीं से ऑनलाइन इसको एक्सेस मतलब ऑडियो वीडियो दोनों देख सकते है, और इसका रिकॉर्डिंग भी आप कहीं और दूसरी जगह से डाउनलोड भी कर सकते है, और ये भी सेम उसी तरह नाइट विजन भी रिकॉर्ड करता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पावर बैंक कैमरे के साथ। ये H8 वाला पावर बैंक कैमरा, ये आपको मोबाइल के साथ आप कनेक्ट हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आप दूसरे मोबाइल से कहीं से भी देख सकते हो, वाईफाई के साथ आप कनेक्ट करके भी देख सकते हो दूसरी जगह से। इसके अंदर एक डेटा केबल दिया हुआ है, एक बुकलेट दिया हुआ है और दो गार्ड दिए हुए प्लास्टिक के, एक गार्ड इसमें एक्स्ट्रा आता है। ये कैमरा है, ये इंफ्रारेड IR है, ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है और ये रीसेट का बटन है और ये ऑन ऑफ करने का बटन है। इस तरह से इसके ऊपर प्लास्टिक का गार्ड जो है वो लग जाएगा। इसका चार्जिंग दिखाता है, अभी इसमें मेमोरी कार्ड कैसे इंसर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सिंपल ऐसे ही डालना है और फिर ऐसे लॉक का आवाज आएगा, ये लॉक हो गया, ये निकल गया, ये लॉक हो गया। अभी मैं इसको चालू करता हूँ। जैसे डार्क लाइट आता है तो उंगली ले लेना है, ये चालू हो गया है। इसका एप्लीकेशन रहता है उसका वीडियो मैं साथ में दे रहा हूँ, और इसका विजन कैसा आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि इसका विजन कैसा आएगा। अभी रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसका वाईफाई का हॉटस्पॉट चालू हो गया है, अभी स्टेबल हो गया है, मतलब ये अभी चालू हो गया है इसका हॉटस्पॉट मोड। सबसे पहले आपको मोबाइल पे वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने के बाद टीवी वाला आईडी आएगा, उसके साथ आपको अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है, वो कैमरे का आईडी है। बाद में आपको DV380 एप्लीकेशन ओपन करना है। अभी आपको मोबाइल डेटा चालू कर देना है, वाईफाई बंद कर देना है, आईडी बनाने के लिए ये सब में अलाउ करना है। अभी रजिस्टर में जाके आप एरिया कोड सिलेक्ट करके इंडिया करके नंबर से या तो ईमेल आईडी से आप कोड मंगवा के अपना आईडी बना सकते हो। बाद में फिर मोबाइल डेटा बंद करके वाईफाई आपको ऑन करना है, और डीवी वाला आईडी जो है उसके साथ मोबाइल ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बाद में आईडी बन जाएगा, ये इसको रिफ्रेश करना है, कैमरा आ जाएगा। अभी लैन ऑनलाइन आता है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन रहेगा, आपको जो पासवर्ड डालना है वो आप डाल सकते हो। कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा डालना है, फिर आप कन्फर्म करके बाहर निकल जाएगा तो ये कैमरे में पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद ये कैमरा आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये कैमरा जब इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहेगा तभी दिखाई देगा। हम वापस सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद हम नेटवर्क सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पे वाईफाई स्टेशन मोड ऑन करना है। वाईफाई स्टेशन मोड ऑन करने के बाद नज़दीक का जो वाईफाई रहेगा वो आपको दिखाई देगा, जो नज़दीक का वाईफाई है वो डालना है, वो वाईफाई का पासवर्ड आपको डालना है। वाईफाई का पासवर्ड आप डालोगे तो उसके बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव करने से ये कैमरा एक मिनट तक रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट हो जाने के बाद ये कैमरा इंटरनेट से जुड़ जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। अभी आपको मोबाइल डेटा ऑन करना है, वाईफाई वाला जो डीवी वाला आईडी रहेगा वो डिसअपियर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने अपना जो वाईफाई राउटर है उसके साथ मोबाइल को कनेक्ट किया है, रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ, कैमरा ऑनलाइन आ जाएगा। अभी लैन ऑनलाइन दिख रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल और कैमरा दोनों एक ही वाईफाई से जुड़े हुए हैं। इसके लिए अभी इसका क्लियरिटी आप सेट कर सकते हो, 1080p, 2K, 4K वो सब आप सेट कर सकते हो, वो सब आप क्लियरिटी उसमें सेट कर सकते हो। आपको चार कैमरा का व्यू देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। अभी इसका नाइट विजन है, जब आप लाइट बंद कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली नाइट विजन ऑन हो जाएगा इसका, और मैं आपको अभी नाइट विजन का व्यू दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हो नाइट विजन एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है। जैसे आप लाइट ऑन करोगे तो वापस वो अपने आप वो कलर डे विजन में आ जाएगा, आपको कुछ नाइट विजन ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं है।
अभी देखिए ये इसका कलर विजन दिख रहा है, ऑटोमेटिकली लाइट चालू करने के बाद ये कलर मोड पे आ गया है। ये आप चार कैमरा एक साथ देखना है तो वो देख सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हो, मोबाइल के डेटा स्टोरेज में सेव होता रहेगा। बाजू में जो रिप्ले का बटन है वहां से आप पुराना प्लेबैक देख सकते हो। मेमोरी कार्ड में जो स्टोरेज हुआ रहेगा वो आप देख सकते हो। उसको डाउनलोड करने के लिए इवेंट ग्रुप में जाना है। इवेंट ग्रुप में जाके जिस फाइल आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा फाइल में दिखाता हूँ, दूसरा फाइल जैसे डाउनलोड हो जाता है, अभी मैं फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े, कंफर्म करके आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये इन्वर्जन का ऑप्शन है, अगर आपने कैमरा उल्टा लगा दिया है तो विजन सीधा हो जाएगा। बाद में जाते हैं सेटिंग के अंदर, उसमें अलार्मिंग का फंक्शन है, अगर आपको अलर्ट चाहिए तो आप आम डिसआर्म कर सकते हो। अगर आपको कैमरा डिलीट करना है तो आप पासवर्ड डालोगे आईडी का तो उसे डिलीट हो जाएगा। कैमरा शेयर भी कर सकते हो आप, दूसरा कोई अकाउंट बनाएगा उससे। सेटिंग में जाने के बाद पहले जनरल सेटिंग आता है, उसमें निकनेम और डिवाइस आईडी आता है। बाद में पासवर्ड जो पहले दिखा है वही पासवर्ड का ऑप्शन है इधर। डिवाइस टाइम आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फर्मवेयर वर्जन आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा वाला फर्मवेयर वर्जन अब लगा हुआ है। अलार्म आप ऑन कर सकते हो। अगर आपको एलर्जी है मोशन डिटेक्शन में आप एरिया सिलेक्ट करके आप मोशन भी अनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद में अलार्म साउंड है, नोटिफिकेशन पे आपको साउंड मिलेगा, तो फिलहाल मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। बाद में जाते हैं मेमोरी कार्ड की सेटिंग के लिए। अभी फिलहाल ये 128 GB मैंने डाला है, वो सपोर्ट करता है, इसमें आपको दिख रहा है 99% रिमेनिंग स्टोरेज बाकी बचा है। रिकॉर्ड ऑडियो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग HD रिकॉर्डिंग वो आप अपने हिसाब से सेट करके फॉर्मेट भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, वो IP है, आप मैनुअल आप IP सेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, और लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है। अभी फिलहाल बैक चले जाता हूँ मैं। उसके बाद सेटिंग में जाके अभी आपको मोबाइल वाईफाई से कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें वाईफाई स्टेशन मोड करके आपका नजदीक का जो वाईफाई रहेगा वो वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपको बाद में मोबाइल में मोबाइल डेटा चालू करना है ताकि आपको ये कैमरा ऑनलाइन हो गया वो मालूम पड़ सके। अब एक बार और रिफ्रेश करता हूँ मैं तो नीचे की ओर जो लैन ऑनलाइन लिख के आ रहा था वहाँ पे इंटरनेट ऑनलाइन लिख के आ जाएगा। अभी ये कैमरा मोबाइल डेटा पे चल रहा है और इंटरनेट ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। क्लैरिटी आप कहीं से भी अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो आप SDHD में कन्वर्ट करके देख सकते हो। मैं सेटिंग में जाता हूँ वापस में, अगर आपको हॉटस्पॉट मोड करना है हॉटस्पॉट मोड पे ऑन करके सेव कर देना है ताकि वो MB वाला जो आईडी है वो वापस आपको दिखाई देने लगेगा और वाईफाई के साथ डिसकनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं वापिस मोबाइल में वाईफाई चालू कर रहा हूँ और MB वाला आईडी जो अभी शो हो रहा है उसके साथ मोबाइल कनेक्ट करके आप उसको लैन ऑनलाइन देख सकते हो, मतलब ये इंटरनेट से वापिस निकल गया है। तो आप हॉटस्पॉट पे भी देख सकते हो और इंटरनेट ऑनलाइन भी देख सकते हो। अभी हम प्रोफाइल में जाते हैं, वहां पे आप आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो। एल्बम में जाके आपका मोबाइल में जो फोटो और वीडियो सेव हुआ है वो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी तो सेटिंग है ये आप कर सकते हो अपने हिसाब से जो करना है वो। थैंक यू फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम नई ऐसे टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि किसी को इसका जरूरत हो, इसकी नीड हो, तो उसके लिए लिंक यूज में आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।